जी, मेरा नाम डॉक्टर बशीर अहमद अबड़ो है और मैं इस कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हूँ। देखिए, 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज़ है। पहले दिन हमने 5 के 6 वर्कशॉप्स की थी और डे 2 और डे 3 पे वर्चुअल और फिज़िकल जो है वो हमारे लेक्चर्स थे। देखें, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी जो कॉन्फ्रेंस है उसके 2-3 बड़े मोटे मोटे मकासद होते हैं। एक मकसद उसमें ये होता है कि दुनिया भर में बच्चों की बीमारियों के हवाले से जितनी तहकीक हो रही है उसको किस तरीके से आगे नौजवान डॉक्टर्स या दूसरे माहरीन तक ट्रांसफ़र किया जाए ताकि वो उस तहकीक को अपने अपने मुल्कों में वो इम्प्लीमेंट करके अपने बच्चों को जो है वो फ़ायदा पहुंचा सकें। एक दूसरी बात ये है कि आपने ये महसूस किया कि गुज़श्ता 7-8 महीनों में कोविड की वजह से बहुत सी जो एक्टिविटीज़ थी वो जमूद का शिकार रहीं। तकरीबन ज़िंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ। उसमें ये जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे जो कॉन्फ्रेंस होती रही हैं वो भी जमूद का शिकार हुई। और हमने ये फील किया कि इंटरनेशनली बहुत सी और नेशनली बहुत सी कॉन्फ्रेंस न सिर्फ कैंसिल हुई बल्कि वो डिले भी होती गई। हमने इन नामसाइद हालात में कोशिश की कि इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो क्वेटा में उसका इनकाद किया जाए। इस गैर यकीनी सूरत हाल में हम इसमें कामयाब रहे और हमारे नौजवान डॉक्टर्स जो न सिर्फ क्वेटा से बलोसान भर के कोने कोने से बल्कि मुल्क भर के कोने कोने से जो आए वो दुनिया भर में जो बच्चों की बीमारियों के बारे में जो तहकीक हो रही है उससे बहुत मुस्तफीद हुए हैं। और ये सिलसिला जो है जिसको हम कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन कहते हैं वो आगे जो है न सिर्फ हमारे नौजवान डॉक्टर्स तक बल्कि हमारे माहरीन तक ये मुंतकिल होता रहेगा। दूसरी बात, 2-4 बड़े अच्छे अच्छे जो है ना लेक्चर्स में रहे। इसमें एक लेक्चर का मैं ये प्रेजेंटेशन का ये बताऊंगा, जैसे हमारे मुल्क में नौजायदा बच्चों की शरह मौत इस टाइम भी दुनिया भर में ज़्यादा है और माहरीन किन 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 चीज़ों पे स्ट्रेस जोर दे रहे हैं कि ये चीज़ें करने के बाद आप अपने मुल्क में नौजायदा बच्चों की शरह अमवात को किस तरीके से कम कर सकते हैं। ना सिर्फ नौजायदा बच्चों की अमवात बल्कि जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे जिसको हम इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट कहते हैं उसको किस तरीके से कम किया। सिंपल चीज़ें हैं, थोड़ी सी कुछ डेडिकेशन चाहिए, कुछ आपको वर्क चाहिए जो आप करके इन दोनों चीज़ों को कम कर सकते हैं जो कि हमारी इस टाइम भी दुनिया भर में जो है वो रेट ज़्यादा है। तीसरी मैं चीज़ बात करूँगा जो लेक्चर के बारे में कि इम्यूनाइजेशन पे खुसूसी तौर पे लेक्चर थे उसमें वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन में अब इस टाइम मौजूदा सूरत हाल में दुनिया भर की नज़रें लगी हुई हैं कोरोना की वैक्सीन पे। अब मैं हैरान हूँ, वैक्सीन आई नहीं है, लोग सारे वैक्सीन कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ, हमारे मुल्क में बहुत सी वैक्सीन दस्तियाब हैं। मैं अपने पाकिस्तान के प्रोग्राम में जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है जिसमें हम जिसमें पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, तशनुज है, खन्नाक है, काली खांसी है, काला यरकान है, डायरिया है, खसरे की बीमारियों 10 बीमारियों के ख़िलाफ़ हम जो है वो बच्चों के बचाव के लिए जो है वो वैक्सीन करते हैं, वो उनकी वैक्सीन दस्तियाब है। लेकिन अफसोस ये कहना पड़ता है कि वालदेन को बारहा हम जो है तलकीन ताकीद करते हैं कि आप आएँ अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराएँ, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराएँ। खसूसी आपने देखा कि पोलियो के हवाले से मैं बोलूँगा कि आप दुनिया भर में सारे ममालिक में हमारे दोस्त सिर्फ जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हम और अफगानिस्तान जो रह गए हैं। अब आपने ये भी फील किया, कल एक नया जो है केस क्वेटा में आया है तो हमारे रीजन में पोलियो है। अब इस टाइम बलूचिस्तान में 24 केस कल जो है तक 24 केस हो गए हैं और 82 जो है मैं 24 केसेस का मतलब हमारा चौथा हिस्सा पूरे मुल्क में पोलियो के केसेस का है। वो कैसे हम कम कर सकते हैं? वो हम इस तरीके से कम कर सकते हैं कि हमारे न सिर्फ वालदेन आ गए हैं, हमारे वालदेन के अलावा जितने भी मुख्तलिफ शोबे हैं उनसे जो भी बंदा ताल्लुक़ रखता है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस बात की तलकीन करे कि अपने बच्चों, अपने पड़ोस के बच्चों, आस पास के बच्चों को ये तलकीन करें कि आएँ अपने बच्चों को न सिर्फ पोलियो की वैक्सीन कराएँ बल्कि दूसरी जो रूटीन की वैक्सीनेशन है हम इम्यूनाइजेशन करते हैं वो भी अपने वो करें ताकि बच्चों को ना सिर्फ पोलियो से बचाया जा सके बल्कि दूसरी जितनी भी बीमारियां हैं जिनके खिलाफ
हम वैक्सीनेशन करते हैं उनको भी जो है ना इस बच्चों को बचाया जा सके और हम अपने मुल्क से इन बीमारियों को जिसको बचाया जा सकता है कम करें ताकि हमारे मुल्क की शरह अमवात न सिर्फ नौजायदा बच्चों की बल्कि एक साल से कम उम्र के बच्चों के जी जो है शरह अमवात उसको कम किया जा सके। ये ना सिर्फ बलूचिस्तान के डॉक्टर्स के लिए बल्कि दुनिया भर और पाकिस्तान के सतह पे तमाम डॉक्टर्स के लिए इंतहाई मुफीद कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि इसमें जो साइंसी मकाले पढ़े गए हैं, जो नई रिसर्च आई हैं, जो तहकीक की गई हैं, और यही एक डॉक्टर के लिए ज़ाहिर है CME है, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन इसी को ही कहते हैं, जिसकी बुनियाद पर जो डॉक्टर बन चुके होते हैं उनको फिर लाइफ लॉन्ग अपनी तालीम को अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए। और कॉन्फ्रेंसेस ही एक ज़रिया है जिसके ज़रिए डॉक्टर्स अपनी नॉलेज को मज़ीद इम्प्रूव करते हैं और उन लोगों से मज़ीद सीखते हैं जो उस फील्ड में ज़्यादा माहिर होते हैं। तो बलूचिस्तान के डॉक्टरों ने तो यकीनी तौर पे इससे 100% फ़ायदा उठाया है, क्योंकि वो यहीं पे सारे मौजूद थे और बलूचिस्तान के हर कोने से गवादर से लेके जोब लोरलाई और खारान तक के बच्चों के डॉक्टर यहाँ आए हुए थे, क्वेटा शहर के तमाम डॉक्टर आए हुए थे बच्चों के, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा इससे इस्तेफादा हासिल किया है। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान और दुनिया भर में जैसे कि मैंने पहले कहा कि सिट किट्स हॉस्पिटल जो दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल है टोरंटो का, वहाँ के डॉक्टर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो तालीम अब चूंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, अब महदूद नहीं है, क्वेटा से भी लोग शेयर कर सकते हैं अपनी नॉलेज टोरंटो से, और यही जकार्ता से भी लोगों ने शेयर किया है, सिंगापुर से भी किया है। तो इंटरनेट और ये वर्चुअल की जो दुनिया है उसका ये फ़ायदा पहुंच गया कि अब हम घर बैठे दुनिया के किसी भी माहिर डॉक्टर को इनवाइट कर सकते हैं और हम उनसे सीख सकते हैं, हम अपने तजुर्बा शेयर कर सकते हैं, हमारी खामियां शेयर कर सकते हैं और वो हमें अपने मुफीद मशवरे दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में इस वक्त पोलियो तमाम ममालिक से ख़त्म हो चुका है, इसमें नाइजेरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल थे आखिरी तीन ममालिक में। अब नाइजेरिया भी पोलियो फ्री हो गया, और मुझे कुछ दिनों पहले यहाँ एक खातून यूनिसेफ की मिली थी, वो नाइजेरिया से ताल्लुक़ था उनका, मैंने कहा आप हमारे मुल्क में क्या कर रही हैं, ये काम तो हमारे डॉक्टर भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, यानी हमारे तजुर्बे से आप लोग फ़ायदा उठाएँ। तो ये हमारे जैसे हम एटमी मुल्क हैं, हम जैसे मुल्क को हमारे लिए बहुत ये बायस शर्म की बात है कि अभी तक पोलियो हमारे यहाँ मौजूद है और हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में मौजूद है। इसमें लाइल्मी और इल्म की कमी, सेहत से मुतालिक मालूमात की कमी और बहुत से मनफी प्रोपेगेंडे, इनका बड़ा रोल है। तो उल्मा से लेके एक आम आदमी से लेके डॉक्टर्स और हमें सबको मिलकर इसको शिकस्त देनी चाहिए। आज से 3 साल पहले ये काफ़ी कम हो गए थे, 12 केसेस हमारे मुल्क में रिपोर्ट हुए थे, तो हम बड़े खुश थे कि अब कमिंग 1-8 साल में हम पोलियो फ्री हो जाएंगे। लेकिन अब फिर गुज़िश्ता साल 70 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि अगेन हम ना सिर्फ हमारी तशवीश में इजाफ़ा हुआ है बल्कि पूरी दुनिया की तशवीश में इजाफ़ा हुआ है, और ये हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छी खुशकुन खबर नहीं है। तो हमें बतौर पाकिस्तानी शहरी तमाम लोगों को, चाहे वो डॉक्टर हैं, उल्मा हैं, टीचर्स हैं, आम लेमैन हैं, हमें मिलकर ही हमारा कौमी मसला है, इसको हल करना चाहिए, वरना इस वजह से ही दुनिया हमको फिर बुरी नज़रों से देखती है कि इस मुल्क में अभी तक पोलियो है, और पोलियो होने की वजह से फिर हम पर बिन अलाक़वामी बहुत सी पाबंदियाँ लगना और इन चीज़ों का होना शामिल है इसमें। Immunization calendar, healthcare, and also developmental tracker and growth tracker. And the next one is Dr. Prima Ku. We have right now the telemedicine. Yeah. So all the country should follow this. And we have also our society pediatric online immunization reporting system. What we said is iPoint. Yeah. So implication and policy and recommendations. Yeah. Implication. Based on WHO Commission and Social Determination, addressing risk factors, reducing barriers to youth involvement, enforcing youth in decision making. We have to enforce youth and adolescents, especially during this pandemic. They are going to be the agents of change. They have to be the champions. We have to inform adolescents.
How are the implications for policy? Of course, inclusion, information, promotion partnership, providing capacity development, and medical practitioner training. Recommendation, dedicate greater attention and resource to adolescent health. Increase the possibility and knowledge base for adolescent health. Increase the capacity of healthcare providers, researchers, a lot of research. Strengthen the voice of participation, young people, again, young people, to empower them to shape their own health. Recommendation, Asian country and also Asia-Pacific country with many talent, with Indian acknowledgement, 4.0 revolution is a must. Officially will be coming to Pakistan next year at the point of the Asia-Pacific Conference. And we have to support Professor Iqbal as the President of Asia-Pacific next year. I would like to quote, it doesn't matter where we start. It doesn't matter where we start. All that matters is where we start. Especially during this pandemic, you cannot do it alone. If you go too fast, go alone, to go far, you cannot reach it. You have to go together. Together is better. So, I would like also to say, a great nation is a nation that can safely protect and guide its children to survive this pandemic. And I would like to say thank you. This is my grandchildren. I have three grandchildren. MashaAllah, MashaAllah.